मेरा नाम डॉक्टर राहुल जिंदल है। सो आई एम वैस्कुलर सर्जन, पास्ट प्रेसिडेंट ऑफ वीनस एसोसिएशन ऑफ इंडिया। अभी मैं चंडीगढ़ में काम करता हूँ। जी, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रेस वार्ता रखी है, किन किन मुद्दों को? तो आज हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो रखी है वो वेरिकोस वेन्स की एजुकेशन के लिए रखी है। सो ये पब्लिक अवेयरनेस टॉक है। तो बेसिकली आज हम पढ़ाना चाहते थे कि वेरिकोस वेन्स क्या होती हैं। वेरिकोस वेन्स होती हैं क्योंकि इनके वेन्स के वॉल्स ख़राब हो जाते हैं, उससे हमारे खून की नसें टांगों में फूल जाती हैं। एंड हम लोगों को इस बीमारी का इलाज कराना चाहिए, क्योंकि इसको अगर हम इलाज नहीं कराते तो ये बीमारी बढ़ के हमारे पैरों पे अल्सर्स बना सकती है, क्लॉट्स बन सकते हैं, ये फट भी जाती हैं कई मरीजों में। इसका इलाज बहुत आसान है। तो लेज़र थेरेपी से आप प्लीज़ जिन लोगों को भी वेरिकोस वेन्स हों उनका ट्रीटमेंट कराइए। ये प्रोसीजर अंडर लोकल एनेस्थीसिया होता है, कोई कट वगैरह नहीं लगता। एंड आप हॉस्पिटल के अंदर आके उसी दिन छुट्टी हो जाती है और अपने काम पे आप अगले दिन से जा सकते हैं। सो मेरा एक ही मैसेज है कि वेरिकोस वेन्स को कभी इग्नोर मत करिए, बिकॉज ये कॉस्मेटिक प्रॉब्लम नहीं है एंड इट्स ए मेडिकल डिजीज़ एंड इसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस होने का डर रहता है। जी, कुछ लोग घरेलू नुस्खा भी अपनाते हैं घरों में इलाज इस चीज़ के, तो कितना फ़ायदेमंद है या नुकसान? देखिए, हमारी नॉलेज के हिसाब से ऐसा घरेलू इलाज जैसे हल्दी लगाना, लीच थेरेपीस लेना, सुइयों से ब्लड निकालना, ये सारे इलाज जो हैं ये मरीज के लिए ठीक नहीं हैं। तो हमारे हिसाब से ये सारे इलाज नहीं करने चाहिए पेशेंट्स को। एंड अगर पेशेंट्स को लगता है कि वो अभी मेंटली तैयार नहीं है ये सब इलाज ट्रीटमेंट कराने के लिए लेज़र थेरेपी, तो इस दौरान उनको स्टॉकिंग्स डालनी चाहिए। स्टॉकिंग्स क्या होती हैं? एक टाइट जुराबे होती हैं जिससे वेन्स कंप्रेस रहती हैं और हमारे को टाइम देती हैं कि आप अपना माइंड बना सकें जब तक आप लेज़र थेरेपी के लिए हॉस्पिटल जा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।